हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरूज ऑटो ब्लॉग। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2024 टाटा पंच का एकॉम्प्लिस्ड एस वेरिएंट, जिसमें जबरदस्त फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। इस वेरिएंट की प्राइसिंग आप स्क्रीन पे चेकआउट कीजिएगा, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए। आइए चलिए बात करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल कुछ इस तरह रहने वाली है दोस्तों, बहुत ही शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल, देखने पर काफ़ी स्टनिंग लग रहा है। वहीं इसके फ्रंट प्रोफाइल में आपको दिया गया है सबसे ऊपर हैलोजन बल्ब, टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन। इस वेरिएंट में DRL नहीं आते, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। नीचे हेडलाइट यूनिट में हैलोजन बल्ब हाई बीम लो बीम में दिया गया है, काफ़ी शानदार। और इसके साथ ही नीचे आपको बहुत ही शानदार हाउसिंग में फॉग लैम्प दिया गया है हैलोजन बल्ब के रूप में। क्रोम फिनिश आपको एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवाया गया है। वहीं फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, बीच में टाटा का अपडेटेड लोगो, साथ में ट्रायो रिसेप डिज़ाइन दिया गया है नंबर प्लेट की जगह, और नीचे एडम पे ट्रायो रिसेप डिज़ाइन प्रोवाइड किया गया है। स्किट प्लेट के ऊपर आप क्रोम फिनिश देख पा रहे हो, ये एज एन एसेसरी का पार्ट है दोस्तों, आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, काफ़ी शानदार लगते हैं जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए आप बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक दिया गया है। वहीं सस्पेंशन फ्रंट में मैकपर्सन स्ट्रट एंड रियर में ट्विस्ट बीम विद कोयल स्प्रिंग दिया गया है। साइड में क्रोम फिनिश दिया गया, एच एन एसेसरी का पार्ट है ये डोर मोल्डिंग के ऊपर। और इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है 15 इंच के स्टील व्हील, ब्लैक कलर का व्हील कवर, व्हील साइज है 185/70 R15। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है। ORVM आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल दिया गया है। LED टोन इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में फ्रंट में वाइपर दिया गया है। विंड स्क्रीन के लेफ्ट साइड गाड़ी की डिस्क्रिप्शन। रूफ लाइनिंग की बात करें तो पियानो ब्लैक फिनिश में रूफ रेल दिया गया है। और इस वेरिएंट में इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है, जो कि आजकल की ट्रेंडिंग फीचर्स में से एक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। डोर वाइजर यहाँ पे एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवाया गया है, बहुत ही जबरदस्त फीचर से लैस है। ए पिलर, बी पिलर, सी पिलर पूरी तरह ब्लैक्ड आउट किया गया है। और इसके विंडो के बॉटम लाइन में क्रोम फिनिश दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जो कि एसेसरीज का पार्ट। वहीं ग्रैब हैंडल की बात करें तो यहाँ पे बॉडी कलर दिया गया है फ्रंट में, रियर में बहुत ही स्टाइलिश ब्लैक कलर में प्रोवाइड किया गया है। और इस गाड़ी में मिलते हैं 187 mm का हाई ग्राउंड क्लियरेंस, यानी कि ऑफ रोडिंग में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, छोटे मोटे ऑफ रोडिंग आप कर सकते हैं। रियर प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरह रहने वाली है, काफ़ी अमेजिंग इसका रियर प्रोफाइल। और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर दिया गया है इस वेरिएंट में शार्क फिन एंटीना, इंटीग्रेटेड स्पॉयलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प। एंड आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे डिफॉगर एंड रियर वाइपर इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। और बहुत ही शानदार ट्रायो रिसेप LED टेल लैम्प यूनिट प्रोवाइड किया गया है, ब्लिंक करता हुआ टर्न इंडिकेटर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। टेल गेट के बीचों बीच अपडेटेड टाटा का लोगो, जस्ट इसके नीचे रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है इस वेरिएंट में। हॉरिजॉन्टली क्रोम फिनिश दिया गया है, जो कि एज एन एसेसरी का पार्ट है। और टेल गेट के बीचों बीच पंच की ब्रांडिंग हॉरिजॉन्टली दिया गया है। रियर बम्पर बॉडी क्लैडिंग के रूप में नंबर प्लेट की जगह रिवर्स पार्किंग सेंसर्स दिए गए हैं। दोनों रिफ्लेक्टर्स दिए गए, बहुत ही शानदार हाउसिंग। यहाँ पे क्रोम फिनिश दिए गए, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। स्किट प्लेट आपको यहाँ पे ब्लैक कलर में अवेलेबल कराया गया है। चलिए अब बात करते हैं इंटीरियर की। कीलेस एंट्री प्रोवाइड किया गया, ओपन कर लेते हैं। फ्रंट डोर 90 डिग्री ओपन हो जाता है, इसका सबसे बड़ी बात, चढ़ने उतरने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन फ्रंट डोर पे ब्लैक एंड व्हाइट फिनिश में। पावर विंडो के कंट्रोल दिए गए और ORVM की कंट्रोल, जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल है। नीचे 1 लीटर का बोतल है, थोड़ी सी जगह। अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है। 4 स्पीकर एंड 2 ट्वीटर्स आते हैं इस वेरियंट में। और वहीं डैशबोर्ड लेआउट की अगर हम बात करें तो चेकआउट कीजिएगा, बहुत ही शानदार। बहुत ही शानदार फीचर्स आपको मिलने वाले हैं इस वेरिएंट में। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, हेडलैम्प लेबलर और सिटी मोड और लॉक अनलॉक का बटन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है। नीचे कुछ स्टोरेजेस, डेट पेडल दिया गया है। लॉन्ग जर्नीज में थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होती है। इस वेरिएंट में मिलते हैं हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट, फैब्रिक अपोस्ट्री प्रोवाइड किया गया, लेकिन एज एन एसेसरी के तौर पे लेदर अपोस्ट्री ड्यूल टोन में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, जिसकी कॉस्टिंग पड़ती है 8,500 रुपीज़। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिया गया है और साथ में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है इस वेरिएंट में। आर्मरेस्ट मिल जाते हैं एकॉम्प्लिश वेरिएंट में कुछ इस तरह, और जिसे आप इस तरह ऊपर कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे 2 कप होल्डर दिया गया है।
क्रोम फिनिश में हैंड ब्रेक प्रोवाइड किया गया है, साथ में 12 वोल्ट का चार्जर भी दिया गया है। ट्रांसमिशन की बात करें तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन प्रोवाइड किया गया है आपको यहाँ पे कुछ इस तरह, जिसके चारों ओर कॉपर फिनिश दिया गया है जो कि एक प्रीमियमनेस को बढ़ा देते हैं। आगे आपको मोबाइल वगैरह रखने की जगह, और यहाँ पे दिया गया है 12 वोल्ट का चार्जर, USB पोर्ट एंड अदर फीचर्स। और इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कुछ इस तरह का स्पेस मोबाइल वगैरह रख सकते हैं यहाँ पे। और ऊपर आपको यहाँ पे कुछ इस तरह रेक्टेंगुलर शेप एसी वेंट, जिसके ऊपर कॉपर फिनिश दिया गया है, बीच में हैजार्ड लैम्प दिया गया है, और हार्मन का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम 7 इंच का दिया गया है जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। इसी के साथ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिजिटल दिया गया है, सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटल मिल जाती है। बीच में MID दिया गया है जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फ्लैट बॉटम टिल्टेबल मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील, जिसके लेफ्ट साइड ऑडियो माउंटेड कंट्रोल फोन कॉल्स का बटन, राइट साइड आपको क्रूज कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, बीच में अपडेटेड टाटा का लोगो, सैटिन सिल्वर फिनिश दिया गया है यहाँ पे। इस वेरिएंट में आपको मिलते हैं कूल ग्लोव बॉक्स इल्यूमिनेटेड होता हुआ, और टैबलेट ट्रे भी दिया गया है सबसे लार्ज, और कुछ इस तरह का डैशबोर्ड लेआउट, को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है। सेंटर में दिया गया आपको कैबिन लाइट LED में, जो कि काफ़ी अच्छी खासी ब्राइटनेस के साथ आता है। और यहाँ पे ड्राइवर साइड टिकट होल्डर दिया गया है, वहीं यहाँ पे वन टच आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ ऑफर किया गया है जो कि काफ़ी शानदार है दोस्तों, बहुत ही अमेजिंग। इस प्राइस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ वाली गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल है दोस्तों। और इसके अलावा आपको यहाँ पे डे नाइट IR भी प्रोवाइड किया गया है मैनुअली एडजस्टेड, और वहीं इसके ए पिलर पे दोनों ओर ट्विटर्स की प्लेसमेंट दिया गया है काफ़ी शानदार, और हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की, ओपन कर लेते हैं इसके रियर डोर, बहुत ही स्टाइलिश ग्रैब हैंडल, ओपन करते ही 90 डिग्री ओपन हो जाता है, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन ब्लैक एंड वाइट फिनिश में। और इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल प्रोवाइड किए गए हैं, और डोर लॉक पे पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है, नीचे 1 लीटर का बोट होल्डर, थोड़ी सी जगह स्पीकर दिया गया है, ट्विटर आपको पीछे वाले डोर पर नहीं मिलते हैं। बहुत ही शानदार अमेजिंग इसका रियर कैबिन, 3 जने आराम से बैठ सकते हैं, और ये लेदर अपहोल्स्ट्री कितना ज़बरदस्त लग रहा है इसका, जो कि कंपनी से इंस्टॉल करवाए गए हैं। और इसके रियर सीट में आपको इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट मिल जाता है, साथ में आपको पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, आर्मरेस्ट आपको पीछे वाली सीट्स पे नहीं मिलते हैं, रियर AC वेंट भी नहीं मिलते किसी भी वेरिएंट में। चलिए अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। तो रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है कॉम्प्लिस्ट S वेरिएंट का, बहुत ही शानदार अमेजिंग प्रीमियम। और रियर सीट से आप इलेक्ट्रिक सनरूफ का भी आनंद ले सकते हैं कुछ इस तरह, चारों ओर आपको यहाँ पे कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है सिर्फ और सिर्फ रियर पैसेंजर्स के लिए, और साथ में यहाँ पे देख पा रहे हो कोट हुक भी दिया गया है। और लेग रूम हेड रूम की बात करें, सबसे पहले लेग रूम नी रूम बहुत ही डिसेंट दिया गया है, और हेडरूम बहुत ही अमेजिंग दिया गया है इस प्राइस पॉइंट पे दोस्तों, काफ़ी ज़बरदस्त आपको यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल कराए गए इस वेरिएंट में। बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया, ओपन करते ही कुछ इस तरह ओपन हो जाता है, दूर से दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। कुछ इस तरह का स्पेस आपको मिल जाता है, ह्यूज स्पेस यानी कि 366 लीटर का बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है, और पार्सल ट्रे अवेलेबल कराया गया है, और लेफ्ट साइड आपको दिया गया है बूट लैम्प, नाइट के समय में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। रियर सीट जो है फ्लैट फोल्ड कर सकते हैं, 60-40 का ऑप्शन इसमें नहीं आता है, और जस्ट इसके अंडरनीथ आपको दिया गया है स्पेयर व्हील टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, और काफ़ी सारा लगेज आपको इसमें आ सकता है दोस्तों, बहुत ही शानदार स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है। वहीं टेल गेट के इनर साइड कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, ग्रैब करके इजीली आप सेट कर सकते हैं इसके टेल गेट को कुछ इस तरह। इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो प्रोवाइड किया गया है BS6 सेकंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवटॉन पेट्रोल इंजन, जो कि 87 BHP की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉक जनरेट करता है। माइलेज कंपनी क्लेम करती है 20.09 KMPL की माइलेज। जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो टाटा पंच को ग्लोबल NCAP क्रैशेस में पूरे 5 स्टार की रेटिंग मिली है, जिससे यह बन चुकी है अपने सेगमेंट में सबसे सेफेस्ट मिनी SUV। वहीं इस वेरिएंट में प्रोवाइड किया गया है ड्यूल एयरबैग, ABS-CVT, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3-पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, डे नाइट IRBM, ISE+ ISS टेक्नोलॉजी,
ब्रेक स्वे कंट्रोल आइसोपिक चाइल्ड सीट एंकरेज फ्रंट इंपैक्ट बीम साइड इंपैक्ट बीम एंटी थेफ्ट डिवाइस स्पीड अलर्ट सिस्टम स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक डोर अजर वार्निंग इंजन चेकिंग वार्निंग क्रैश सेंसर्स इंजन इमोबिलाइजर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं। ये थी दोस्तों टाटा पंच एकॉम्प्लिस्ट एस वेरिएंट की कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब के बगैर बिल्कुल मत जाएगा क्योंकि मैं अपने चैनल पे रोजाना ही ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी न्यूज रिव्यूज टेस्ट ड्राइव वॉक अराउंड कंपैरिजन एसेसरीज आपसे साझा करता रहता हूं। तो चले दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।